कुछ इस तरह से हुई हमारे दिन की शुरुआत। ये बारिश का मौसम और खूबसूरत नज़ारे हमारी ट्रिप का आगाज कर चुके थे। पहाड़ों के बीच में से होती हुई हमारी गाड़ी धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी और हम सबके मन में एक ही चीज चल रही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन किए बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रिप आप लोगों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रैवल चीता में। तो हम लोग अभी रेडी होके निकल चुके हैं हेमकुंड साहिब के लिए और नई वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। हमारी गाड़ी भी रेडी है और हमारी 11 नंबर की बस भी रेडी है। जैकेट भी पहन ली गई है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है और इसी ठंड का मजा लेते हुए हम लोग अब पहुँच रहे हैं गोविंद घाट और जल्दी ही वहां से हम आपको लाइव दिखेंगे। तब तक के लिए आप मजे करिए और नजारों का आनंद लीजिए। जो बोले सो निहाल। आनंद यूं तो एक शब्द है लेकिन इसका एहसास बहुत ही सुकून भरा है। इस ट्रिप पे हमें आनंद शब्द का असली मतलब समझ आया। इन ठंडी हवाओं से जैसे प्यार सा होने लगा था लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी, हमारे इरादे कुछ और थे। इन्हीं इरादों को चुनौती देने के लिए तैयार था श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जाने का रास्ता। हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारा गोविंद घाट, जो आपकी यात्रा को आसान बनाने में आपकी सहायता करता है। आइए मत्था टेकते हैं और शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। तो गाइस गोविंद घाट गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे हम लंगर कर चुके हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए और यहाँ से हमें सामने से टैक्सी मिल जाएगी 50 रुपीस, जो हमें 5 किलोमीटर आगे तक छोड़ती है। उसके बाद आगे 10 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए फिर चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपको। पूरी हिलती हुई गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। हाँ भाई गौरव जी, कहाँ जा रहे हैं? 5 किलोमीटर पे जगह है, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। है भी क्या नाम उसका? कुछ शायद नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नाम नहीं है। बस 5 किलोमीटर तक गाड़ी छोड़ती है, तो यही सीन है कि 5 किलोमीटर छोड़ेगी, वहाँ से मेन ट्रैक शुरू होगा। कहाँ तक का? खांगरिया, जो कि 10 किलोमीटर है। तो जब ट्रैक स्टार्ट होगा तब आपको मिलते हैं। तो गोविंद घाट से गाड़ी में हम आए हैं पुल्ला गांव। यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज लिया है हमसे और अब यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू है। तो गाइस हाउस दी जोश। हाय सर। तो हमारी जो पर्सनल गाड़ी थी वो नीचे पार्किंग में पार्क हो चुकी है गुरुद्वारे के पास ही, और वहाँ से गुरुद्वारे से ही टैक्सी चलती है जो आपको पुल्ला गाँव तक लेके आती है, 4-5 किलोमीटर तक है ये। इसके बाद से घांगरिया तक के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है।
तो यहाँ पे अपनी गाड़ी से हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है और यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ही आप लोगों को रोकने के लिए बोल देते हैं और उसके बाद लोकल टैक्सीज ही आपको यहाँ पे छोड़ेंगे। चलो फिर और ट्रैकिंग करवाते हैं तुम्हें। तो अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक यहाँ पे झरना बह रहा है बड़ा मस्त, वो देखने के लिए रुके हैं, साथ में थोड़ा बिस्किट वगैरह चल रहा है। अप्रॉक्सीमेट हमें 40 मिनट्स लगे हैं, तो इतना ही 8 किलोमीटर और चलना और आ जाएगा अपना गांगरिया। उसके बाद हेमकुंड साहिब की थोड़ी सी टफ है, वो आपको दिखाएंगे। तो जंगल चट्टी पे पहुंच चुके हैं और ये फर्स्ट स्टॉप पड़ता है ट्रैकिंग के दौरान, जो हमने अचीव कर लिया है। और आज गौरव ज़्यादा थका पड़ा है, अपना रुद्रनाथ पे इसने बहुत मेहनत करी थी। तो गौरव जी, मेहनत क्या करी थी मैंने? तूने मेरे को ऊपर लेके जाना मेहनत है या नहीं? आज एनर्जी थोड़ी एक्सचेंज हो रही है, गुरनीत ने मतलब ज्यादा ही रोटियां खा ली। तुम्हारा भाई हार्ड हो गया तो ज्यादा चौधरी बन रहे हैं। कुछ नहीं है, बैग हल्का है इसका। ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पहला जो आपका स्टॉप है, यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीजें, कुरकुरे, पराठे, शॉप्स बनी हुई है। यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है और आप लोग यहाँ पे रुकिए, इंजॉय करिए। यहाँ पे शेड भी है तो आराम से बैठिए, नज़ारों के मजे और साथ में खाना और रेस्ट। खच्चरों से बच के चलिए। और लिमका आ गई है हमारी, जो एक गौरव नहीं खत्म करी है। अभी मैं ही करूंगा पूरी खत्म। चलो चलो फिर आओ, कहाँ बैठे हो, चलो। यात्रा के दौरान कुछ इस तरीके की खाने पीने की जगहें आपको मिलती रहेंगी और कुछ ऐसी भी जहां आप बैठ के मसाज करा सकते हैं, लेकिन चलते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। शेर तो शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन छोटे शेर जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, मैं इस बिल्ली की बात कर रहा हूं। आप लोग ट्रैक पे जाना अगर चाहते हो तो आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन है जिससे आप जा सकते हो। एक तो पैदल यात्रा है ही, दूसरा अगर आप खच्चर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। खच्चर आप लोगों को मिलेंगे टैक्सी करने के बाद, जब आप यहाँ पे पहुँच चुके होंगे। कौन सा गांव था हमारा? पुलना गांव। तो पुलना गांव जब आप पहुँच चुके होंगे टैक्सी से, उसके बाद जब आप लोग ट्रैक शुरू करोगे वहाँ पर आपको खच्चर स्टार्टिंग में भी मिलते रहेंगे और ट्रैक के बीच बीच में भी आपको काफ़ी खच्चर मिल जाएंगे, आप आसानी से ऊपर पहुंच सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये खच्चर का हो गया। तीसरा ऑप्शन, जहां पे आप कार अपनी पार्क करोगे गुरुद्वारे से पहले ही आपको हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप ऊपर डायरेक्ट मंदिर पे जा सकते हो। और प्राइस के बारे में भाई लोग बताएंगे। तो जैसे कि हेलीकॉप्टर का जो प्राइस है वो 7,000 है और 3,500 एक साइड का है, और दोनों मिला के 7,000। तो गुरुद्वारे तक फैसिलिटी है हेलीकॉप्टर की। और जो खच्चर हैं वो तो पूरे रास्ते में आप लोगों को मिलेंगे। और खच्चर का प्राइस कितना बताया था भैया ने? 2,500 रुपीज़ पर साइड का है, तो बोथ साइड का आपको मिला के 5,000 पड़ेगा। तो अगर तो आप चल सकते हो तो खुद खच्चर बन जाओ। या फिर खच्चर कर लो। तो ऐसा यहाँ पे है, जैसे आपकी अपनी हेल्थ कंडीशन है उस हिसाब से आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर सकते हो और गुरुद्वारे तक पहुँच सकते हो। फिलहाल हमने खुद खच्चर बनने वाला ऑप्शन चूज किया भाई। ये देखो पीछे आ रहे हैं, ये ऐसे दिखते हैं। और इनसे बच के भी रहना पड़ता है रास्ते में। चलो तो फिर निकलते हैं और खच्चरों के साथ ज्वाइन करते हैं।
इस तरीके के साइन बोर्ड्स आपको रास्ते में दिखते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, खूबसूरत नजारे आपका ध्यान भटकाते रहेंगे। कुछ इस तरीके के खूबसूरत नजारों ने हमारा भी ध्यान भटकाया और हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, साथ ही साथ हमें रूबरू कराया उस एहसास के साथ जिसके लिए हम यहां आए थे। सुकून। शब्द छोटा लेकिन एहसास बड़ा, इतना बड़ा कि मुंह जुबानी इसे बताया नहीं जा सकता। ऊपर सफेद बादलों से घिरा हुआ आसमान और नीचे बहता हुआ ये झरना किसी जन्नत से कम नहीं था। दिल तो बस यही कर रहा था कि ठंडी हवा में इस खूबसूरत नजारे के साथ बस यहीं बैठा रहूं, लेकिन मंजिल अभी दूर थी, इसलिए हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पीछे बोर्ड पे दिख रहा है, हम सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे हैं और घांगरिया पहुंचने में हमें लगभग, मतलब हम बहुत आराम आराम से ही जा रहे हैं, रुकते रुकाते नज़ारे के लुफ्त उठाते हुए। तो देखो शायद 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और ये देखिए, ये यहाँ से ना बिल्कुल कान के पास से जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए। और तो यहाँ बोर्ड पे भी 2 किलोमीटर लिखा हुआ है और हर कुछ मिनट बाद निकलते जा रहे हैं ये, और जितना ही देख लो मन नहीं भर रहा। ऐसे ही नज़ारों के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये ट्रैक मतलब काफी सुंदर है, काफी, और हेलीकॉप्टर तो लगाया है 4 चांद, मजा आ रहा है। जैसे होता है ना कि पहाड़ों के साइड से ऐसे रास्ते बनाए होते हैं, ये वैसा नहीं है, पेड़ों के बीच में से जा रहा है, पूरा हरियाली से घिरा हुआ, और हर 200 मीटर 500 मीटर पे कुछ ना कुछ खाने का है ही, परचेज करना पड़ता है, फ्री नहीं मिल रहा। थोड़े बहुत लंगर भी लगा रखा है लोगों ने, मतलब चने वगैरह भी दे रहे हैं, वगैरह और मसाज वगैरह भी हो रही है, तो बढ़िया। बाकी अभी हम लोग इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं इस वाले ट्रैक पे क्योंकि हमारा कन्फर्म था कि हम लोग आज जो गुरुद्वारा है 10 किलोमीटर बाद घांगरिया, वहाँ पे रुकेंगे, तो हमने सोचा कि ट्रैवल चीता थोड़ा सा स्लो होगा और नज़ारे मतलब एंजॉय करेगा इस वाली ट्रिप पे, इस वाली ट्रैक पे। और वो क्यों होगा? बिकॉज भाई हिलवा के आए 26 किलोमीटर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है ना तो जाके देखो, रुद्रनाथ टेम्पल लिख दो, ट्रैवल चीता के साथ मज़ा आ जाएगा। है ना नजारे खूबसूरत, यही नजारे हमें धीरे धीरे हमारी मंजिल तक लेके जा रहे थे और कठिन रास्तों को हमारे लिए बहुत ही आसान बना रहे थे। हरियाली से घिरा हुआ ये रास्ता आप लोगों को पसंद नहीं आए, ऐसा होना असंभव है। सो फाइनली गाइस, डेस्टिनेशन अचीव्ड, जो आज की डिसाइडेड थी, तो एक जयकारा लगा देते हैं। जो बोले सोने यार। हेलीकॉप्टर भी हमारा यहीं उतरता है और इन नज़ारों को हेलीकॉप्टर में बैठ के उस ऊंचाई से देखने का मज़ा कुछ और ही होगा।
जैसे कि बताया था ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अब पहुंचे हैं। था थोड़ा और 600 मीटर के आसपास और था, तो अब बिल्कुल पहुंच चुके हैं और अंधेरा हो गया है आते आते। थकान के बारे में बताओ भाई लोग, थोड़ा थकान इतनी तो नहीं हुई, मतलब कंपैरेटिव अगर कंपैरिजन करें, जैसे हम रुद्रनाथ करके आए हैं इस वजह से हमें थोड़ी थकान है और हमारे थोड़े बैकपैक्स भी थोड़े भारी हैं। बाकी हमें वैसे अगर बाकी ट्रैक से कंपेयर किया जाए हमें इतना हार्ड नहीं लगा, मतलब मीडियम है, मीडियम लेवल के। तो क्या कहते हैं? हाँ वैसे अगर हम अभी रुद्रनाथ करके नहीं आए होते तो हमें तो बहुत इजी लगता, बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये ट्रैक बहुत ही मतलब सही ट्रैक है 10 किलोमीटर्स का। और यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट यही है, जैसे हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि 500 मीटर पे यार दुकान है, थक गए तो कुछ खा लो। और यहाँ पे भी घांघरिया पहुँच के बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, दुकानें हैं, होटल्स हैं और बाकी गुरुद्वारा तो है ही। तो अभी हमारा यही है कि हम जाएंगे गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद फिर फाइनली आपको शॉट देते हैं जो कि वीडियो की एंडिंग होगी। तो भाई लोग निकलेंगे फिर एक जयकारा जयकारा जो बोले सोनियाल जय श्री अकाल। गुरुद्वारा साहब हम पहुंच चुके हैं और ये हमने रूम की पर्ची पहले कटवा ली है, ताकि वैसे तो अवेलेबल ही होते हैं। तो हॉल नंबर 8 एंड 147 बेड नंबर हमें मिला है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आगे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते अगर आप गुरुद्वारे में रुकते हैं। बाकी होटल्स बहुत सारे हैं, आपको स्टार्टिंग से मिलने शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, लेकिन असली परीक्षा तो हमारी कल होने वाली थी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रुको ज़रा, कहाँ जा रहे हो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Ha ha ha!